व्यक्ति का विरोध होता है। किस तरह के पदाधिकारी हैं, किस तरह का आप क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या रालोद ने गठबंधन कर लिया है सपा बसपा से? निश्चित तौर पर हमारे मुखिया का फैसला हमें स्वीकार नहीं है। ये पूर्वांचल को उपेक्षित करने वाला है और बेमेल गठबंधन है। जिस सपा बसपा ने आज तक, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया तो बैक की सरकारों में सपा बसपा ने किसानों नौजवानों के लिए क्या किया है? कैसे माना जाए आने वाली सरकार किसानों नौजवानों की होगी? यदि आपको उचित सीटें मिलती तो ये माना जा सकता था कि सरकार में दबाव बना के आप किसानों नौजवानों के मुद्दे पर काम करेंगे। चार सीटों से ना तो आप किसानों नौजवानों का भला कर सकते हैं और पूर्वांचल में बिना आपका कोई प्रत्याशी लड़े आप पूर्वांचल को पूर्णतः उपेक्षित करेंगे। यहाँ का छोड़ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं आज। अगर पूर्वांचल से कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा तो मैं निर्दल एक प्रत्याशी के तौर पर बस्ती को नई दिशा दशा देने का काम करूंगा। अभी पार्टी इस्तीफा दे रहे हैं आप, क्योंकि सीटें तो बंटवारा हो चुकी हैं। पार्टी को इस संदर्भ में 3 बार मैं पत्र लिख चुका हूं कि यदि मेरी नीतियों पर आपने काम नहीं किया, आपने पूर्वांचल को उपेक्षित किया, किसानों नौजवानों को, कोई जवाब ना आना इस बात का आश्रय है कि वो हमारी बातों को दरकिनार कर रहे हैं। इसे इस्तीफा ही मानिए।